नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विजय रंजन घोष आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जब अंडे से बच्चा हैच होता है तो उसको जल्दी जल्दी बढ़ने के लिए, उसका अच्छा ग्रोथ के लिए हम उसको क्या दे सकते हैं। ऐसे में तो अंडे से हैच होने के बाद हम सब लोग उनको सॉफ्ट फूड देते हैं ताकि बच्चा उस सॉफ्ट फूड खा के अच्छा और हेल्दी बने, मगर उसके साथ साथ हम उसको कुछ ऐसे ही दूसरी चीज़ दे सकते हैं जिसमें कि उनका हजमा ठीक रहे और वो जल्दी जल्दी उनका ग्रोथ हो के वो जल्दी से नेस्ट से निकल आए। हाँ, तो बच्चा जब हैच होने का बाद उसको पहले 3-4 दिन न्यू पेप्टिन, ये जो आप देख रहे हैं न्यू पेप्टिन, और न्यू पेप्टिन का सिरप उसको पानी में 3-4 बूंद मिलाकर 4-5 दिन देना पड़ता है। उसके बाद हम उनको दे सकते हैं कोई भी अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप, जैसा मैं उन्हें देता हूँ। जो बी कॉम्प्लेक्स का जो है, ये जो सिरप बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी, तो इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा और आप दूसरा कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि विटाप्लेक्स है वेटनरी का, हाँ, और ये जो है ये है बिकसुल सिरप। तो 3-4 दिन का बाद पानी में 3-4 ड्रॉप बी कॉम्प्लेक्स सिरप मिला के देने से बच्चा का मसल और अच्छा ग्रोथ होता है, मसल का ग्रोथ होता है, और इसमें विटामिन सी है जो कि बच्चों का इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इसका दाम ज़्यादा नहीं है, ये 33 रुपीस लिखा है, मगर वो 30 रुपीस में मिल जाता है। तो आप ऐसा दे सकते हैं। जब बच्चों का पर निकलना शुरू हो जाता है तो आप उनको कुछ कुछ कैल्शियम पानी में मिलाकर देना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कैल्शियम। सुबह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी के साथ दे दीजिए और दोपहर को उसको निकाल के फिर पानी में आप 2-4 बूंद कैल्शियम सिरप मिला के बच्चे को दे सकते हैं, ताकि उसका पर जो है उसका अच्छा शाइनिंग निकाले, शाइनिंग वाला पर निकाले, और उसका हड्डी भी मजबूत हो और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा हो। तो मैं जो देता हूँ यहाँ पर ये है मैकेलविट सिरप। ये सिरप है, सस्पेंशन का फॉर्म में नहीं है। सस्पेंशन होने से क्या होता है, वो पानी में डालने से वो नीचे में सेटल हो जाता है, वो बार्स को नहीं मिलता है, मगर ये सिरप देने से ये पानी में पूरा डाइल्यूट हो जाता है, और बार्स जब भी पीता है पानी तो पानी के साथ वो कैल्शियम उसका बॉडी में जाता है, और बच्चा को कैल्शियम मिलने से उसका पर अच्छा ग्लेज करता है, शाइनिंग करता है, और उसका हड्डी चूंच नख ये सब का ग्रोथ अच्छा होता है। ये सब देने से बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर नेस्ट से निकल जाता है, और बहुत हेल्दी बच्चा भी निकलता है। तो दोस्त, ये था आज का टॉपिक। तो ऐसा हम बच्चे को हैचिंग के बाद केयर कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।